आज बनाएंगे लौकी का कोफ्ते। तो इसे अच्छे से पहले छील लेते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से छील के चलिए इसे अच्छे से छील लेते हैं। छील के अच्छे से इसे धो के कद्दूकस करना है। तो एक एक करके दोनों को अच्छे से छील लेना है। तो देख सकते हैं ये छिला गया है। अब इसको भी अच्छे से छील लेते हैं। देख सकते हैं ये भी छिला गया है। अच्छे से छिलना है, छिलका नहीं रखना है। तो देख सकते हैं छिला गया है। इसके अच्छे से कट कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा बच गया है, इसको भी छील लेते हैं। देख सकते हैं छिला गया। अब इसे अच्छे से इधर साइड से दोनों तरफ से कट कर देना है। अब इसमें टुकड़ा काट के थोड़ा थोड़ा पानी में अच्छे से धो देना है। पीस कर करके छोटा छोटा पीस करके अच्छे से इसे, तो देख सकते हैं अच्छे से इसे कट करके पीस बना ली हूँ। अच्छे से इसे धो के इसमें कद्दूकस करना है इससे से। तो चलिए कद्दूकस करते हैं एक एक करके। तो चलिए करते हैं कद्दूकस एक एक करके। ऐसे ही करना है, आराम से कीजिएगा। तो एक एक करके ऐसे ही पूरे सभी को कद्दूकस करना है। तो चलिए देख सकते हैं हरी मिर्च, दो चार लहसुन की कली, छोटी सी अदरक, इसे अच्छे से मैं कूट लेती हूँ। इसका पेस्ट बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ कद्दूकस करके रख दी हूँ अच्छे से। इसे पानी निचोड़ना है। तो पहले चलिए इसे अच्छे से हम पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से, ये कद्दूकस जो की थी इसे अच्छे से निचोड़ निचोड़ के दूसरे प्लेट में रखते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे करके दोनों हाथों से अच्छे से पानी को निचोड़ देना है। अब देख सकते हैं दोनों हाथ से अच्छे से प्रेस करके इसे दबाना है। हाँ, आप देख सकते हैं इसका हो गया। फिर से अब इसमें ऐसे ही इसको भी अच्छे से दोनों हाथों से करके, तब इसमें हम बेसन मिलाएंगे। तो इसमें ये जो पेस्ट बनाए थे अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, वो डाल दी हूँ इसमें। अब एक चम्मच धनिया पाउडर, अब बेसन, एक चम्मच बेसन डालती हूँ। बेसन इसमें बेसन डाल दी, दो चम्मच डालना है। तो देख सकते हैं तो बेसन डाल दी हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है नमक डाल के। हल्दी डाल दीजिए। अब नमक डालना है, अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। तो देख सकते हैं सारा मसाला डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। चलिए अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। इसमें पानी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से बेसन को अच्छे से मिला देना है। मिल गए, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके छोटा छोटा गोली बना के हम इसे अच्छे से गोल शेप दे देते हैं, लड्डू का शेप दे देते हैं छोटा छोटा। तो एक एक देख सकते हैं तीन बन गया है।
एक एक करके ऐसे ही सभी को बनाना है, ऐसे ऐसे करके एक एक करके छोटा छोटा गोली बना बना के इसे साइड में अच्छे से सजा के रखना है। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए पहले गोली बना लेते हैं सभी को, आराम से रखना है। देख सकते हैं एक एक करके सबका बन गया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे चलिए कढ़ाई गरम होने देती हूँ, इसे अच्छे से फ्राई करती हूँ कुरकुरे में। यहाँ पे मैं तेल गरम होने के लिए दे दी हूँ। आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गरम हो गई है। अब इसमें हम अपना कोफ्ता का जो बॉल बना के रखे हैं वो अच्छे से फ्राई करना है। तेल को अच्छे से गरम होने दीजिएगा। एक एक करके इस तेल में अच्छे से डालना है, ऐसे एक एक करके आराम से। आप देख सकते हैं अच्छे से इसे फ्राई करना है। अब मीडियम कर देना है गैस के फ्लेम को। इसे पांच पांच करके निकालना है। तो इतना दे दी हूँ, इतना सा बचा है। अब इसे अच्छे से फ्राई होने देती हूँ, मीडियम कर देना है। देखते हैं इसे, एक साइड से थोड़ा सा कलर गोल्डन हो गया है। इसे अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम में, क्योंकि मेरा तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म था इसीलिए लग गया थोड़ा सा। अब इसलिए नॉर्मल कर दी हूँ, अब नॉर्मल में थोड़े देर से पकाना है। तो देख सकते हैं हमारा ये अच्छे से हो गया है। अब इसे अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। अब जो बचा हुआ था वो डालते हैं। अब चलिए जो बचा हुआ था वो डालते हैं। एक एक करके अच्छे से, तेल ज़्यादा है तो ज़्यादा सा देख सकते हैं। अब इसे भी थोड़ा देर पकने देते हैं, 5 मिनट के बाद इसे पलट देंगे। देखते हैं हल्का हल्का दोनों तरफ, एक तरफ गोल्डन हो चुका है, दूसरी साइड से इसे अच्छे से पकाना है। तो चलिए इसे अच्छे से पलट देते हैं। तो अच्छे से इसे पलट दिए, अब इसे पकने देते हैं एक साइड से। तब तक हम चलते हैं, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। देखते हैं ये अच्छे से पक गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ निकाल ली हूँ, आप देख सकते हैं हमारा लौकी कोफ्ता फ्राई हो चुका है। अब इसका मसाला चलिए बनाते हैं। तो यहाँ तेल गरम हो गया, इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जीरा डाल दी, ये 2 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च खड़ा, 1 लौंग इलायची भी डाल दी हूँ। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं, प्याज डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से चलाना है, प्याज को गोल्डन होने देना है। 2 मिनट इसे अच्छे से पकाना है प्याज को। लहसुन अदरक जीरा काली मिर्च ये धनिया इसे हम पीस लेते हैं अच्छे से। लाल मिर्च 1 चम्मच आप अपने हिसाब से डालना। हल्दी पाउडर अब अच्छे से इसे पीस लेते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया। आप यहाँ प्याज अच्छे से ढक दी हूँ 2 मिनट के लिए अच्छे से पक जाए। देखते हैं प्याज अच्छे से पक गया है, गोल्डन कलर हो गई है। अब इसमें हम मसाला डाल देते हैं। तो देख सकते हैं मसाला डाल दी मैं। अब इसे इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। चलिए तो नमक डालते हैं। तो देख सकते हैं मसाला
दे दी हूँ, नमक दे दी हूँ स्वाद अनुसार। अब इसे हम 10 मिनट तक मसाले को अच्छे से भूंजेंगे। मसाला अच्छे से भुंजाएगा तभी हमारा लौकी कोफ्ता टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसे अच्छे से हम ढक देते हैं मसाला को पकने के लिए। तो चलिए, तो देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुंजा गया है। बस 2 मिनट और इसे अच्छे से भूंजना है, तब तक मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ दिया है, देखते हैं अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम देख सकते हैं पानी यहाँ पे बॉयल हो गया है, गर्म पानी हम इसमें डालेंगे। तो चलिए पानी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा इसे डालते हैं। फिर हम इसमें कोफ्ता डाल दिए हैं, इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला देते हैं, मसाला अच्छे से इसमें लग जाए, उसके बाद पानी डाल देंगे हम इसमें। तो फ्रेंड्स पानी डाल दी हूँ उसमें, अब इसे अच्छे से बॉयल हो उबाल होने देती हूँ, अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा गैस को तेज कर देती हूँ क्योंकि अच्छे से ये बॉयल हो जाए। तो देख सकते हैं उबाल होने लगा है इसमें। इसे दो मिनट के लिए ऐसे अच्छे से बॉयल होने देना है, ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद इसे खोल के देखेंगे। तो चलिए देख सकते हैं ये मेरा लौकी कोफ्ता बन के रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो मेरा रेसिपी तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा ऐसे बना के, बहुत ही आसान तरीका बताई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।